जब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना होगा। आखिर पैच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के सीसी की बैठक भी हो चुकी है, आखिर पैच कहाँ फंसा हुआ है? कोई पैच नहीं फंसा है, सभी उम्मीदवार एक लंबी लिस्ट थी, सभी का सर्वे हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव है। चुनाव का जो सबसे पहला पैमाना होता है, यानी कि जो प्रत्याशी मैदान में जाने हों उनके लिए सबसे पहले होता है पार्टी की टिकट। और पार्टी की टिकट ये मान लें कि चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। जब टिकट की परीक्षा पास हो जाती है तो फिर जनता की परीक्षा शुरू होती है। हरियाणा के इस चुनाव में जो कि विधानसभा का चुनाव होना है, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों के नेता टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर टिकट का संकट दूर कब होगा। लगातार बैठकें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। आज भी जहां भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसके अंदर कि अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, इनके साथ में हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के वजीर मनोहर लाल खट्टर और तमाम ये नेता उस बैठक में मौजूद हैं। संभावना है कि अंतिम फैसला हो जाए शायद भारतीय जनता पार्टी का, और कल एक जंबो लिस्ट भी आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस की भी आज CWC की बैठक चल रही है, और CWC की बैठक के बाद कांग्रेस की भी एक लिस्ट आ सकती है कल ही, यानी कि जो 3 तारीख है, कल की तारीख। इस तारीख में हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने के जो चढ़ने वाले लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो एक सूची जारी कर सकती है भाजपा और कांग्रेस दोनों। इस वीडियो में आगे आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की कि किस नेता को टिकट मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो टिकट की टकटकी इस समय सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। हालांकि टिकट की टकटकी कांग्रेस में भी है, लेकिन जितना बीजेपी की टिकटों का क्रेज बना हुआ है, कारण एक कि एक तो 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। इस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कौन से नए प्रयोग करेगी, उसके अंदर क्या होगा, कितने कैंडिडेट नए होंगे, कितने पुराने होंगे, क्योंकि तमाम चर्चाओं में चलता रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो उनके मंत्री और विधायक हैं उनमें से 20% काट सकती है, 30% काट सकती है, 50% बदल सकती है, 70% बदल सकती है। ये तमाम बातें चलती रही, कितने बदले जाएंगे, कितने नए होंगे, कितने पुराने होंगे, लोग देखना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा। अब अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेटों की लिस्ट आनी है, उससे पहले कई बात के मंथन भी हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का आज मैं एक बयान सुन रहा था, आप भी सुनिए इसके अंदर मोहनलाल बड़ौली क्या कह रहे हैं। जब भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठना होगा उसके बाद कोई ना कोई फैसला होगा। सर, संभावना है कि आज लिस्ट आ सकती है या कि टाइम लग सकता है? अभी इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है अभी। आखिर पैच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने के सीसी की बैठक भी हो चुकी है, आखिर पैच कहाँ फंसा हुआ है? कोई पैच नहीं फंसा है, सभी उम्मीदवार एक लंबी लिस्ट थी, सभी का सर्वे हो रहा है, कौन अच्छा है, नीचे से फीडबैक ली जा रही है, और नीचे से फीडबैक पूरी होने के बाद कोई अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व तो ले। सर, देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, सुनील सांगवान का भी नाम सुनने में आ रहा है, क्या मजबूती मिलेगी इनके शामिल होने से? जब भी पार्टी में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनता ने चुनने का काम किया है, जब भी वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उस राजनीतिक दल की ताकत बढ़ती है। सर, क्या कोई सीट को लेकर बात हुई है, टिकट को लेकर बात हुई है देवेंद्र बबली? किसी की भी ज्वाइनिंग टिकट को लेकर नहीं होती, वो पहले पार्टी में आता है, पार्टी में आने के बाद जो पार्टी में आता है उसी के नाम की फिर आगे चर्चा होती है। बबली जी ने कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया, कांग्रेस ने उनके लिए रास्ता नहीं खोला, तो जिन नेताओं ने भी पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की उनकी बात ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व से करने के बाद, सहमति मिलने के बाद,
उनकी ज्वाइनिंग होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारी पार्टी में वर्षों से। सर आज भी कोई दिल्ली में क्या कोई बैठक है, किसको लेकर? आज कोई किसी प्रकार की बैठक दिल्ली में नहीं। आप लोग सर बाहर निकल रहे हैं हरियाणा के लिए? मैं अभी हरियाणा जाऊंगा, सोनीपत जाऊंगा। सर पिछले दिनों आपने कहा था कि तीन चार तारीख का वेट करिए दिल्ली में। आप बड़ी बैठकें हैं तो अभी दिल्ली में। एक आखिरी सवाल की क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस का इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस लिस्ट जारी करे फिर आप लोग जारी करें? वो तो अगर हम पहले जारी कर देंगे तो कहेंगे कांग्रेस का इंतजार नहीं किया, अगर कांग्रेस ने पहले जारी कर दी तो वो कहेंगे इनका इंतजार हो रहा है। ये तो मीडिया में आपने क्या चलाना है वो तो आपको। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहे। ये तो जो कांग्रेस का कल्चर है वो कार्यकर्ता के भाव से नहीं काम करते, वो नेता के भाव से काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की भावना को समझता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके वर्ष 2024 का चुनाव स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम करें। तो मोहनलाल बड़ोली कह रहे हैं कि हमारी एक जंबो लिस्ट तैयार थी बड़ी लंबी चौड़ी, उन पर जो फीडबैक लिया जा रहा है लोगों का और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा और मैं भी आपको बता रहा हूं कि कल यानी कि 3 तारीख को, आज 2 तारीख है, आज कोई सूची आने की संभावना नहीं, 3 तारीख को भाजपा के कैंडिडेट्स की सूची आने की पूरी संभावना है, सूची आ सकती है कैंडिडेट की लिस्ट की। अब बात यह चलती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई विरोधाभास भी है, क्या बीजेपी के अंदर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है? उसका मुद्दा बनाया दुष्यंत चौटाला ने और तमाम नेता उस पर चुटकी ले रहे हैं, तंज कस रहे हैं। बात यह कि नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे करनाल से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, उससे पहले मोहनलाल बड़ौली जी ने कह दिया कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, उससे पहले बात चलती रही कि नारायणगढ़ जो पहला हलका था जहां से 2014 में विधायक बने थे नायब सिंह सैनी, वहीं से चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। अब इस बात को लेकर के तमाम पॉलिटिकल लोगों ने चुटकी लेनी शुरू की और नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि जो पार्टी फैसला करेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, किसी सेफ सीट की जरूरत नहीं है, सेफ सीट सारी उनके पास सेफ ही हैं, सुरक्षित ही हैं। अब ये बात चल रही थी कि इधर मोहनलाल बड़ौली का एक बयान आया। मोहनलाल बड़ौली जो राई के विधायक हैं आजकल, उनका ये बयान आया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। मोहनलाल बड़ौली के बाद अब संजय भाटिया का बयान आया, संजय भाटिया जो पूर्व सांसद हैं करनाल के, उनका बयान आया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो फिर इस पर लोगों की चुटकी थी। मोहनलाल बड़ौली तो कह रहे हैं कि हरियाणा की 90 सीटों पर मुझे चुनाव लड़ना है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब संजय भाटिया जी के बारे में क्या कहें, वैसे बताऊं मैं आपको, संजय भाटिया का नाम चल रहा था पानीपत विधानसभा के लिए भी और संजय भाटिया करनाल के लिए भी सोचते थे, लेकिन दोनों सीटों पर लगता है संकट है। पानीपत में जहां भारतीय जनता पार्टी जो वहां के निवर्तमान विधायक हैं प्रमोद विज, उन पर दाव खेलने की बात फिर से चल रही है, तो इधर संजय भाटिया को लेकर के बात चल रही है कि क्या वो पानीपत या करनाल, इधर संजय भाटिया ने खुद कह दिया कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे। अब ये प्रत्याशियों के जब इस प्रकार के बयान आते हैं, आपको ध्यान होगा कि पहले मनीष ग्रोवर का बयान था, मनीष ग्रोवर ने कहा था कि मैं रोहतक से चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बाद में हालांकि वो सब हुआ कि जिसके अंदर मनीष ग्रोवर साहब ने एक अपने उनके कार्यकर्ता पहुंच गए, एक ड्रामा भी हुआ और उसके बाद में कई वीडियोस भी वायरल हुए मनीष ग्रोवर को लेकर के। अब जब टिकट वितरण को लेकर के कमेटी की बैठक थी, चर्चाएं कुछ निकल करके बाहर ये आई कि उस बैठक के अंदर भी जो मनीष ग्रोवर को लेकर के कुछ विरोध की बात थी, तो उसको लेकर के वीटो पावर यूज़ की मनोहर लाल जी ने। अब ये सारी बातें हैं, जब तक वैसे टिकटों की लिस्ट आ नहीं जाती तब तक ये टकटकी दूर नहीं होती, और जब लिस्ट सामने आ जाएगी तो फिर तय हो जाएगा कि कौन सिकंदर, क्योंकि राजनीति हो या समाज नीति, जो जीता वही सिकंदर माना जाता है और पहली जीत होगी टिकट मिलने वाली। वैसे आपसे एक बात और यहां साथ साथ और जोड़ दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 29 तारीख को बैठक हुई थी, मैंने आपसे एक वीडियो पहले भी शेयर किया था, उस बैठक के अंदर प्रयोगात्मक नाम कुछ सामने आए थे, कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने नाम चलाए, कुछ मीडिया के लोगों ने नाम चलाए, कोई टीवी एंकर्स ने नाम चलाए, कुछ न्यूज़पेपर्स में नाम चले, रिएक्शन शुरू हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ, और उसके बाद में अब चर्चा ये चली कि वो जो सूची जारी हुई थी, जो नाम जारी हुए थे वो फेक थे, कितने सच्चे थे कितने झूठे थे, क्या कोई प्रयोग था, क्या उनसे लेने की बात थी, क्या फीडबैक का वो भी तरीका भी था,
क्योंकि मोहनलाल बड़ोली कह रहे थे कि फीडबैक लिया जा रहा था, क्या वो तरीका भी था कि नाम हवा में उछाल दीजिए, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी वो फीडबैक हो जाएगा। प्रतिक्रिया तो जरूर पहुंची होंगी, लेकिन इन सब के बीच में जो टिकट को लेकर के चल रहा है सब कुछ, हमारे देश में सट्टे का काम कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो चुनाव हो, तमाम आप देखते होंगे कि कौन सा सट्टा राजस्थान का सट्टा, कौन सा सट्टा भिवानी का सट्टा, ये तमाम आते हैं कि वहाँ सट्टा बाजार में क्या चल रहा है। और अभी टिकट की टकटकी में एक सट्टा बाजार भी शुरू हो गए, नेताओं के प्यादे कह रहे हैं, शर्त लगाने की बातें कर रहे हैं कि शर्त लगा लीजिए हमारे नेता को टिकट मिलने जा रहा है, जमा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। खैर, ये राजनीति के अंदर आप इन्हें तबसरे की बात कह सकते हैं, मजे की बात कह सकते हैं, स्वाद की बात कह सकते हैं, हर चीज़ का टेस्ट होता है, ये टेस्ट है पॉलिटिक्स का एक। और इस टेस्ट के अंदर जो टिकटों वाला टेस्ट है वो कल सामने आएगा, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की भी सूची और कांग्रेस की सूची कल आ सकती हैं, जब उन कैंडिडेट की लिस्ट आएगी जो अधिकृत सूची होगी। मैं आपको साथ साथ जोड़ दूं, वीडियो पूरा होने से पहले, अनाधिकृत सूचियां तो चलती रही, भारतीय जनता पार्टी की दो दो सूची, कांग्रेस पार्टी की दो दो सूची आ गई, क्षमा करें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक 20 कैंडिडेट की, एक 15 कैंडिडेट की दो सूची आई, फेक सूचियां, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम नाम हवा में उछाले गए। अब जब टिकटों के नाम पैनल सामने आ जाएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे कि कौन कितने पानी में रह सकता है। चुनाव में जब कैंडिडेट सामने होंगे तो आपको बताएंगे कि किसकी हवा चल सकती है, किसकी हवा निकल सकती है, क्योंकि चुनाव हो या जीवन, सारा खेल हवा का है। वैसे आप हमें जरूर बताएं कि आखिर हवा का रुख किसका है, हवा किस तरफ की है, आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर इस चुनाव के अंदर क्या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी, और या फिर कहीं हंग असेंबली की संभावना बनेगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।